दोस्तों जानते हैं आप, एक बात बताऊं क्या, कि हमारी जब शादी हुई थी ना तो इसी समय में, मतलब मई में अप्रैल 29 अप्रैल को शादी हुई थी, तो अप्रैल में भी गर्मी चरम पे रहता है। तो इसी तरह गाड़ी में बैठे थे, बस फर्क इतना था कि अभी हम आगे की सीट पे दोनों बैठे हैं और जब शादी होके आ रहे थे इसको लेके दुल्हन बना के, तो पीछे की साइड दोनों बैठे हुए थे। बढ़िया लगा शादी करके आए हो तो आप। हाँ। शादी नहीं, दो बच्चे हैं। आप घूमने के टूर पे आए हो वैसे तो आप। तो फ्रेंड्स ये सब भैया जो है कंफ्यूज हो गए थे मुझे देखकर, कह रहे हैं कि आप लोग शादी करके आए हो। नई नवेली दुल्हन आई हो। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल दुल्हन बनी हूँ, और क्यों बनी हूँ ये भी बता देती हूँ, क्योंकि आज है वट सावित्री पूजा है जो कि हमारे साइड बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप तो इधर भी देखती हूँ बहुत लोग मनाते हैं, तो अभी मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर जाने के लिए, और मिथिलेश जी भी हैं हमारे साथ, बच्चे नहीं आज, बच्चे को हम आज छोड़ दिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मिथिलेश जी डॉली का डलिया लेकर बैठे, ये है डॉली का डलिया। और इसमें है फलिया। तो आप चले हैं मंदिर ना, चलते हैं मंदिर आप। चलो, चलो, चलो। तो फ्रेंड्स आप चलिए मंदिर हमारे साथ। ए, आ गई डॉली। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, आज वट सावित्री पूजा है, तो चलिए हमारे साथ मंदिर चलते हैं और दिखाते हैं हम लोग कैसे पूजा करते हैं वट सावित्री में, जो लोग नहीं जानते हैं उसको बोल रही हूँ स्पेशल। चले चलो। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा धूप है, क्या बताऊं। दोस्तों जानते हैं आप, एक बात बताऊं क्या, कि हमारी जब शादी हुई थी ना तो इसी समय में, मतलब मई में अप्रैल 29 अप्रैल को शादी हुई थी, तो अप्रैल में भी गर्मी चरम पे रहता है। तो इसी तरह गाड़ी में बैठे थे, बस फर्क इतना था कि अभी हम आगे की सीट पे दोनों बैठे हैं और जब शादी होके आ रहे थे इसको लेके दुल्हन बना के, तो पीछे की साइड दोनों बैठे हुए थे। तो वही फील अभी हो रहा है, आज भी जो है ना वही फील आ रहा है, बच्चे नहीं है ना तो और ज्यादा ही फील आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं दुल्हन को लेकर जा रहा हूँ, है ना। वैसे डॉली एक बात बताओ, हमारी शादी के कितने साल हो गए? 8 साल। ऐसा कहते हैं लोग उसकी शादी 5 साल टिक जाए, समझो अब कभी वो अलग नहीं होते हैं, अलग हो रहे होता है ना तो 5 साल के अंदर हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मंदिर, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। सो गाइस देख लीजिए, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये है डेल्टा का मंदिर जो मैं हर साल यहीं पर आती हूँ पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं, गाड़ी देखो कितनी लगी हुई है जी, सब पूजा करने आई ना। मैं सोची मैं लेट हो गई लेकिन नहीं, सही समय पे आई हूँ ना, अभी लोग आए थे। तो देखिए फ्रेंड्स सभी लोग पूजा कर रही हैं। चलो तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग भी चलते हैं और पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलो डॉली। हाँ पैर जल रहा है। बहुत जल रहा है पैर, ये तो परीक्षा है। अच्छा भैया ये एक तोड़ पाएंगे क्या आप? क्या ले रही हो यहाँ पे? 10 रुपए का एक। हाँ तो आज त्योहार है तो। लेकिन 5 पत्ता होना चाहिए ना इसमें? इसमें 3 ही है, 5 पत्ते किसी में है नहीं। हाँ वो चार ही, कोई नहीं, दे दो चार वाले पत्ते। और पत्ते और एक दीपक डाल देना, दीपक।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिथिलेश जी जल ले रहे हैं। पानी ठंडा है क्या? साड़ी तो मेरा पूरा गंदा हो जाएगा। खुश बेटू, होटल पानी की बोतल राहुल ने एक फोटो लेना। हमारा चंदन टीका भी नहीं लगा दिया। टीका नहीं लगाया आपका?
ज्यादा लगा दिया। अच्छा ना, सो गाइस अब मैं पूजा कर चुकी हूँ यहाँ पर, तो देख लीजिए अब जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए। धूप तो देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, फिर बहुत मज़ा आया पूजा करने में। आ जाओ यार, मेरा साड़ी पूरा नीचे हो गया है। क्या? चलो जल्दी, पैर जल रहा है मेरा। चलो यार भागो। सच में पैर जल रहा है। दोस्तों हो गया है पूजा, डोली कर ली पूजा या और कुछ बाकी? पूजा हो गया है, अभी आपका पूजा बाकी है। अच्छा, मेरा क्या पूजा होगा? अभी फ्रेंड को दिखा देंगे, थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग खुद मेरा मजाक बनाओगे, इसलिए हमारे में ऐसा किया जाता है। इसलिए अभी घर चलिए, उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि अभी मिथिलेश जी की क्या पूजा होगी। बहुत ही बड़ा, मतलब बीवी कुछ तो करे, अब देखना क्या करेगी, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। गाइस देखिए यहाँ पर दिख गई मुझे रास्ते में लीची, और मैंने बोला ले ही लो लीची क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देख लीजिए अभी सीजन भी चल रहा है लीची का, तो क्यों नहीं खाया जाए। हाँ मिथिलेश जी, आप तो एक चखे, कैसा लगा? मीठा, मीठा है। अच्छा तो अभी फ्रेंड्स मैं तो नहीं खाऊंगी, अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मुझे पूजा करना है घर में जाके मिथिलेश जी का। तो ये आ गया है लीची, हो गया 1 किलो। ये 1 किलो पत्ते डाल ये सब का भी वजन होता है ना, पानी है। आपको कैसे लगा भैया? बढ़िया लगा, शादी करके आए हो तो आप। हाँ शादी नहीं, दो बच्चे हैं। आप घूमने के टूर पाए हो वैसे तो आप। तो फ्रेंड्स ये सब भैया जो है कंफ्यूज हो गए थे मुझे देखकर, कह रहे हैं कि आप लोग शादी करके आए हो, दुल्हन बन के निकली हो तो शादी बोलेंगे ना। तो दोस्तों हम आ गए हैं पूजा करके, डॉली आ गई है डेल्टा वाले मंदिर से, पूजा करके आ गए हैं हम। और अब आगे हम जाएंगे, डॉली अब तक भूखी है, 11 बज गया। और इस पर्व का जो ना नियम ये होता है कि जब तक मैं डॉली को पानी नहीं पिलाऊंगा तो पानी नहीं पिएगा, खाना नहीं खिलाऊंगा खाना नहीं खाएगी। तो जब तक मैं इसको अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाऊंगा पिलाऊंगा तब तक ये कुछ नहीं खाएगी पिएगी, पानी तो अभी तक भूखी है। सिर्फ पानी पिलाना है आपको, बाकी व्रत टूट जाएगा मेरा। अच्छा पानी पिलाना है, व्रत टूट जाएगा, अभी तो आपकी सेवा होगी। आज मेरी छुट्टी है, मैं आज पूरा दिन सोऊंगा। छुट्टी है तभी तो आराम से वीडियो बन रही है। नहीं तो रहता अरे जल्दी करो मुझे ऑफिस जाना है। ऐसा लग रहा है मैं नई नई दुल्हन आई, नई नवेली दुल्हन आई हो। हम आ गए भैया अपने घर पर, हम आ गए अपने घर पे, देखो डॉली
आज दोनों बच्चों को छोड़कर गए थे। देखो दोनों बच्चे कैसे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो मेरी बेटी परी बेटा, रात में इसका फोन आया था, अभी सोई थी, मैं निकल गया था। ये देखिए गाइस, मेरी बेटी का दांत तोड़ दिया है। तोड़ दिया नहीं, टूट गया है। टूट गया, चुटकू तोड़ा है। दोनों खेल खेल में, नहीं तो हिल भी रहा था ना परी। हाँ हिल रहा था बेटा वो दांत। वो बनाना खा रहा भाई। साल भर में एक ही दिन ऐसा आता है कि सेवा करती वरना आती उतार के पंखा डोला के अभी पैर धोएगी, पैर दबाएगी, ऐसे नहीं दबाएगी पैर। अभी देखना बेटा मेरा पैर धो के भी पिएगी। ये वर पूजा हो जाए, मजा आए। पैर धोए हैं ना अच्छे से? हाँ मैं तो कर रहा था, गोबर लेके आऊं लगा के। मुझे लगा तुम टंकी का पानी गर्म लेके आती। जान बूझ के लाए ठंडा के, अच्छा लगेगा। अरे वाह, चूड़ी से ऐसे साफी भी नहीं देता पूछने के लिए। देख ली कितना बेइज्जती कर रहा है मेरा। कैमरा बंद। नहीं चल रहेगा। कैमरा बंद। पियर 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 अब ये पिला। पूरा पियो? नहीं थोड़ा सगुन करते बस। हो गया वट सावित्री समाप्त और हमारा वीडियो भी समाप्त। अच्छा मैं भी नहीं खिला रहा। हो गया हो गया वट सावित्री समाप्त, मेरा वीडियो भी समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।